कहते हैं ना, अगर खुशी किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन खुशी आपके अंदर है, उसे ढूंढने से नहीं मिलती। मैं यही कहना चाहूंगी कि खुशी को महसूस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी एबी। एक बड़ी कमाल की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार एक सेठ के दुकान में एक आदमी नौकरी किया करता था, बड़ी मेहनत से काम किया करता था, लगन से काम करता था। सेठ बड़े खुश थे, वो आदमी भी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस आदमी ने सेठ को बिना बताए छुट्टी कर ली, वो गायब हो गया। सेठ ने सोचा चक्कर क्या है, बताया क्यों नहीं, क्या वजह हो सकती है। सेठ ने खुद से सोचा कि शायद हो सकता है कि पैसों की कमी होगी। लड़का बड़ा मेहनती है, मेहनत से काम करता है, तो तनख्वाह बढ़ाने का सोचा। अगले दिन वो लड़का जब दुकान पर आया तो सेठ ने कहा, मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अगले महीने की पहली तारीख को उस व्यक्ति को बढ़ा हुआ पैसा मिला, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेठ को धन्यवाद तक नहीं कहा, ना खुश हुआ, अपना काम करता रहा। सेठ ने सोचा पैसा बढ़ा दिया, अब मेहनत लगन से काम करेगा, बात आ ही गई होगी। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से वो आदमी छुट्टी पर चला गया, आया नहीं। सेठ को इस बार बहुत गुस्सा आया कि अजीब आदमी है, एक तो मैंने पैसा बढ़ा दिया, ना उसने धन्यवाद दिया, ना ही मुझसे आकर के कुछ बताया, ना ही अपनी जिम्मेदारी समझी। आज फिर से छुट्टी कर ली। सेठ बड़ा गुस्सा में था। अगले दिन जब वो व्यक्ति काम करने के लिए आया तो उसे बुला करके कहा, तुम्हारा पैसा खटा दिया है, जो सैलरी तुम्हें पहले मिला करती थी अब वही तुम्हें फिर से मिलेगी। अगले महीने की पहली तारीख आई और सेठ ने उसे कटी हुई तनख्वाह दी। इस बार भी उस व्यक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो खुश हुआ, ना ही वो दुखी हुआ। सेठ ने उसे बुलाया और पूछा कि एक बात तो बतलाओ, जब तुम्हारी तनख्वाह मैंने बढ़ाई, जब तुम्हारे पैसे मैंने बढ़ाए तो तुम खुश भी नहीं हुए, और जब अब जब घटा दिया तब तुम दुखी भी नहीं हुए, ये चक्कर क्या है? उस आदमी ने कहा, सेठ जब पहली बार नहीं आया था तो उस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था, और तब मुझे लगा कि आपने जो मेरी तनख्वाह कटा दी है तो मुझे लगा कि मेरी माँ ने अपने हिस्से का अपने साथ लेकर गई है, तो मैं इस घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों हूँ। यह बात सुनने के बाद सेठ ने उस आदमी को गले लगा लिया। ये छोटी सी कहानी हमें बतलाती है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है। उस व्यक्ति को देखिए, जब पैसा मिला तो वो उछला नहीं और ना ही ज्यादा खुश हुआ, जब बुरा वक्त भी आया तो वो ज्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ता है। तो यही कहना चाहूंगी अंत में कि जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए। सो एट द एंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई ऐप पेज के आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड मैं हर संडे एंड वेडनेसडेज वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।